सर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों आज पूरे हम बात करने वाले हैं कि जैसे अपने गूगल पे में अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर रहे हैं और आपको जो बैंक अकाउंट है आपके गूगल पे एप्लीकेशन में ऐड ही नहीं हो रहा है, पर इस तरीके से वेरिफिकेशन अगर वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका जो बैंक अकाउंट है ऐड नहीं होगा, यहाँ पे इस तरीके से प्रॉब्लम निकल के आएगा। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे ट्राई अगेन पे क्लिक करेंगे, फिर से दोस्तों आप अपने बैंक पे क्लिक करेंगे, आप जैसे यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों फिर से यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा, बट दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट है आपके गूगल पे एप्लीकेशन में ऐड ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके से प्रॉब्लम निकल करके आ रहा है। तो दोस्तों हम आपको बताने वाले कि दोस्तों अपनी इस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, फिक्स करना चाह रहे हैं तो दोस्तों आप कैसे करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के समय में आपको सब कुछ लाइव करके बताने वाले, लाइव करके दिखाने वाले। तो दोस्तों अगर अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं विद इन दो मिनट्स के अंदर, तो दोस्तों आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे, तो दोस्तों आपको थोड़ा एंड तक स्टेप बाय स्टेप आपको देखना पड़ेगा और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आपके गूगल पे एप्लीकेशन में आपको जो बैंक अकाउंट है ऐड क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको इसे वैक आना है, वैक आने के बाद में आपको अपने मोबाइल को फोन के प्ले स्टोर को ओपन करना, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद क्लिक करना, अब आपको टाइप करना पड़ेगा गूगल पे। सो दोस्तों जैसे गूगल पे लिख करके टाइप कर देंगे तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना है कि दोस्तों आपका जो गूगल पे एप्लीकेशन है अपडेट है कि नहीं है। सो दोस्तों अगर आपका गूगल पे एप्लीकेशन अपडेट नहीं होगा तो आपको अपडेट करना, अपडेट करने के बाद में आपको बैक आना, बैक आने के बाद में जब आपका गूगल पे एप्लीकेशन यहां से अपडेट हो जाएगा तो दोस्तों आपको इसे बैक आना, बैक आने के बाद में गाइस आपको अपने गूगल पे एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना, क्लिक करने के बाद में गाइस अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में अब आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद में गाइस आपको यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन लगा, आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में गाइस अब आपको यहाँ पे क्लियर यहाँ पे डाटा आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको क्लियर डाटा पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे क्लियर ऐप डाटा और आपको डिलीट पे क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस आपके गूगल पे का जितना भी डाटा यहाँ पे डिलीट हो चुका है रिमूव हो जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बैक आना, बैक आने के बाद में अब आपको अपने गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो दोस्तों जैसे अपने गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो फिर से आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहां से अपना मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। दोस्तों जैसे अपना मोबाइल नंबर आप डाल देंगे उसके बाद में अब आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों अब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा, तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद में अब आपके मोबाइल पे इस तरीके से एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा। सो फाइनली दोस्तों आपका जो ओटीपी है ऑटोमेटिक वेरीफाई भी हो सकता है, अगर दोस्तों ऑटोमेटिक वेरीफाई नहीं हो रहा तो दोस्तों आपको यहां पे इंटर करना पड़ेगा 56 48 74। तो ओपीडी हमें यहां पे डाल देंगे 56 48 यहां पे 40 यहाँ पे 56 48 74 यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद में अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा आप अपना ओपीडी डाल देंगे तो दोस्तों आपका जो यहाँ पे गूगल पे अकाउंट बन चुका है। अब आपको अपने गूगल पे अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना है, आपको जो बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो रहा। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन होगा तो आप इस पर क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। बट दोस्तों अगर आपको यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन होना चेक बैंक बैलेंस का, तो आपको इस पर क्लिक करना चेक बैंक बैलेंस वाले ऑप्शन पे। तो दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों अब आपके सामने इस तरीके से सेलेक्ट अकाउंट और यहां पे कह रहा है दोस्तों ऐड बैंक अकाउंट का, तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में गाइस आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों अब आप जो बैंक अकाउंट इसमें आप लिंक कर रहे थे आपको उस बैंक पे आपको क्लिक करना, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं। अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सो दोस्तों अब जैसे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों अब आपके सामने यहां पे परमिशंस अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको परमिशंस को अलाउ करना। सो दोस्तों जैसे परमिशंस को अलाउ कर देंगे तो दोस्तों आपको जो है वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद में गाइस आपका बैंक अकाउंट यहां पे अगर सब कुछ सही होगा तो दोस्तों आपको जो बैंक अकाउंट है सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मेरा जो बैंक अकाउंट है ऐड नहीं हो रहा है, इस तरीके से फिर से वही प्रॉब्लम निकल के आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे वेरीफाई नंबर हो रहा है। सो दोस्तों अब आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा, फिर से दोस्तों अगर वही प्रॉब्लम निकल के आएगा तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा। सो फाइनली दोस्तों यहाँ पे फाइंड अकाउंट, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर आ चुका है, कुड बी नॉट फाउंड अकाउंट है इस तरीके से ऑप्शन लेकर के आ चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर है जिस नंबर से आप गूगल पे अकाउंट बनाए हैं आपके उस नंबर से आपका यहाँ पे कोई भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए दोस्तों आपका जो बैंक है यहाँ पे लिंक नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर कोई भी बैंक अगर आपको उसी नंबर से लिंक होगा तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे SBI का मेरा जो बैंक है लिंक है तो हम SBI पे क्लिक करेंगे, SBI पे क्लिक करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इस तरीके से लिखेगा वेरीफाई योर अकाउंट और यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ सेकंड तक हमको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में मेरा जो बैंक अकाउंट है सक्सेसफुली मेरे गूगल पे एप्लीकेशन में लिंक हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, वेरीफाई नंबर यहाँ पे हो रहा है। तो अब आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समय लग सकता है आपका बैंक अकाउंट ऐड होने में। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई होने के बाद में मेरा जो बैंक अकाउंट है सक्सेसफुली मेरे गूगल पे एप्लीकेशन में ऐड हो चुका है, पे फाइंडिंग बैंक अकाउंट्स का ऑप्शंस आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो बैंक अकाउंट है मेरे गूगल पे एप्लीकेशन में फाइनली ऐड हो चुका है यहाँ पे इस तरीके से। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने इस बैंक पे क्लिक करना, बैंक पे क्लिक करने के बाद में गाइस अब आपका चेक बैलेंस का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों आप अपना UPI पिन डाल करके अपने बैंक का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं कि दोस्तों आपके बैंक में कितना बैलेंस है। तो दोस्तों अगर आपके भी गूगल पे एप्लीकेशन में आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो रहा तो दोस्तों इस तरीके से अपने प्रॉब्लम को इजीली आप ठीक कर सकते हैं,
फिक्स कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपको और कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आ रही है गूगल पे एप्लीकेशन में तो डायरेक्टली आप मुझसे स्टैंड फेसबुक के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।